मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। हमारे बीच हैं आरआर तिवारी जी, कांग्रेस प्रत्याशी हॉ में से। तिवारी जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, आपके प्रतिद्वंदी बीजेपी से भगवा वेश में है। देखो, सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हवा में विधानसभा में नैतिक पराजय उन्होंने खुद ने स्वीकार किया। मैं जयपुर की राजनीति में 22 साल की उम्र में शामिल हुआ था, जब मैं NSUI के बैनर पे सुबोध कॉलेज का आर्ट्स फैकल्टी का अध्यक्ष हुआ 75 में, और 75 से आज 2023 का आखिरी साल का महीना है। मैंने जनसंघ का जमाना भी देखा है, मैंने जनता, जब इनका जनसंघ का दीपक मिटा तो जनता पार्टी बन गए, और जब जनता पार्टी का सूरज डूबा तो ये भारतीय जनता पार्टी बन गए। सवाल है कि मैं जिस हवा महल क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, मैंने उस विधानसभा क्षेत्र में इनके बड़े नेता, कद्दावर नेता, जिनको मैं भी बहुत प्यार से आदर से जानता हूँ, पंडित भवनलाल शर्मा का अगर उत्तराधिकारी ये बाबा बन करके आया तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन ही इनकी नैतिक पराजय थी। मैंने गिरधरलाल भार्गव को भी हमसे लड़ते हुए देखा है, विचारधारा से, हमारी विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी की या जनसंघ के ज़माने में या जनता पार्टी के ज़माने में अलग ही रही है। कद्दावर नेता गिरधरलाल भार्गव जो 6 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, भवनलाल शर्मा कभी हारे नहीं, हवा महल से वो 6 बार जीत करके गए। ये भैरव सिंह शेखावत का भी कार्यक्षेत्र जयपुर में 5 विधानसभा हुआ करते थे एक ज़माने में, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से 2 बार निर्वाचित होकर के गए। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। आज मेरे को दुख हो रहा है इस बात का, वैसे ही उनका फैसला, उनका राजनीतिक सोच है, फैसला उनको करना है, लेकिन भवनलाल शर्मा का, गिरधरलाल भार्गव का और भैरव सिंह शेखावत जैसी शख्सियत का अगर कोई उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी चुनती है किसी भगवा वाले को, तो ये उनकी नैतिक पराजय है। ये बाबा आया कहाँ से? मैं तो सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी कर्मठ कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाएगी। मैंने सैकड़ों साथियों को देखा यहाँ, जिन्होंने हमसे लड़ने में अपना जीवन व्यतीत किया, कभी हम जीतते हैं कभी वो हारते हैं, लेकिन राजनीति का, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, अपनी मूल विचारधारा से भटकता नहीं है। शासन आता है, शासन जाता है, लेकिन कार्यकर्ता ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए काम करता है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हवा महल के आंसू लिए घूम रहे हैं, ये बात मेरे से मत पूछो, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछो तो सही, वो तो खुद ही असमंजस में, उनके टेलीफोन आ रहे हैं, भाई साहब ये क्या हो गया? तो मैंने कहा फैसला आपके शाह और शहनशाह जो एक बैठे हैं दिल्ली में, जो फैसला करते हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में लोकतंत्र है, हमने ब्लॉक कांग्रेस से हमने आवेदन मांगे कौन विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, फिर हमने कहा शहर कांग्रेस में आप आवेदन कर सकते हैं, फिर जो कोई वंचित रह गया साथी, हमने कहा आप प्रदेश कांग्रेस में आवेदन कर सकते हैं। आप तो खुद पत्रकार हैं, बताओ तो सही, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा रास्ता अपनाया? उन्होंने ठोक दिया जयपुर में भगवादारी को, उस भगवादारी का शहर की जनता के प्रति आज तक क्या रोल रहा? वो कभी सड़क के मामले में कभी लड़ते हुए नजर आए, कभी पानी के मामले में लड़ते हुए नजर आए, कहाँ तो नजर आते। अगर वो ये सोचते हैं कि हम धार्मिक आधार पर भेदभाव करें, तो जयपुर शहर की जनता जानती है कि हम इस शहर की गंगा जमनी सभ्यता को हम बिगड़ने नहीं देंगे। या हिंदू और मुसलमान, आज़ादी से पहले जयपुर जब बसा मिर्जा सवाई जय सिंह जी ने, जब जयपुर बसाया, आज क्या समझते हो, जयपुर बसाने में उन्होंने मुस्लिम परिवार को नहीं बुलाया, हमारे यहाँ शोरगरों का मोहल्ला है, हमारे यहाँ पन्नीकरों का मोहल्ला है, हमारे यहाँ महावतों का मोहल्ला है, वो उनकी हुनरबाज भाई जो जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, राजा महाराजा मिर्जा जय सिंह जी ने उन सबको ला कर के बसाया, और सेना में भी सारे काम करते थे जयपुर की सेना में। मैं तो दुख व्यक्त करता हूँ कि किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका मिलता तो चुनाव में कहीं संघर्ष नहीं आता, नज़र आता। मैं ये मानकर चलता हूँ बीजेपी का वोट भी मेरे को मिलेगा और कांग्रेस का वोट मिलेगा, और मैं जयपुर शहर की सबसे बड़ी लीड लेकर के हवा महल का प्रतिनिधित्व करूँगा। आप यहाँ के लोगों को, शहर कांग्रेस का भी अध्यक्ष हूँ तिवारी जी, मैं उम्मीदवार तो एक विधानसभा के बन सकता हूँ, मैं शहर के 8 विधानसभा के मतदाताओं से निवेदन करता हूँ, मेहरबानी करो, रोटी मेरा राम देता, मेरा राम जीवन देता, मेरा राम रोजगार देता, मेरा राम सौहार्द की भावना रखता है। कभी आप राम राज्य की बात तो हमारे गांधी जी भी करते थे, लेकिन राम राज्य का मतलब ही नहीं कि एक रंग का आप देश बना दो, ये सतरंगी मुल्क है, यहाँ हिंदू, यहाँ मुसलमान, यहाँ सिख, यहाँ ईसाई, यहाँ बौद्ध, पारसी, हजारों साल से एक साथ रह रहे ना,
अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के महान नेता रहे, तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने, उनके जमाने में तो हमने कभी देखा नहीं किसी पार्टी का नेस्ता नाबूद कर दो। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना भाई और बहनों, शहनशाह खुद अपनी धरती को छोड़ देंगे जब राजस्थान का जननायक 25 तारीख को सर्वाधिक मतों से जीतेगा राजस्थान में और सरकार बनेगी वापस। ये जो पाँच साल का ओसरा मानते हैं कि 5 साल बीजेपी आती है, 5 साल कांग्रेस आती है, अब की बार जननायक अशोक गहलोत ने पूरे देश में एक रोल मॉडल दिया राजस्थान को। उसके मन में सपना है कि यहाँ गरीब अमीर जो भी हैं उनको मैं सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा दूँ। और सामाजिक सुरक्षा कैसे भाई, आपको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, आपको पढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए, आपको चिकित्सा की सुविधा चाहिए। उनका रोल मॉडल है कि जब विकसित राष्ट्रों में, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई बीमार पड़ता है, अगर उसके पास में पैसे नहीं तो सरकार उसका इलाज कराए। उसके लिए अशोक गहलोत ने पूरे देश में अनूठी योजना लेकर आए। कई बीमारियां हो जाती है, जैसे कैंसर हो गया, किडनी का हो गया, आदमी अपना मकान जायदाद बेच करके अपने का इलाज करता है, चाहे पिता हो, बेटा हो, बहन हो, बेटी हो। अशोक गहलोत ने कहा 25 लाख रुपये तक का अगर एक साल में तेरे को निःशुल्क इलाज कराना तो गारंटी दे रहा हूँ। वो वादा वाली सरकार है भाई और बहनों, हर घर में 15 लाख रुपये भेज देंगे भाई और बहनों, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरियां देंगे, काला धन स्विट्जरलैंड के बैंकों में कांग्रेस का नेताओं को पड़ा। मैं कह रहा हूँ नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पूरा देश जानता है। लेकिन जैसे तिवारी जी, बीजेपी का एक ही नारा है कि कांग्रेस ने रेवड़ियाँ बांटी हैं और जो 4.5 साल नहीं बांटी उसको 6 महीने में बांटी गई, उसके बारे में आपका देश के प्रधानमंत्री से पूछो। उन्होंने कहा अशोक गहलोत की नीतियों का अगर शासन आएगा तो हम भी रखेंगे। ये रेवड़ियाँ हैं क्या? किसी को चिकित्सा की गारंटी अगर सरकार दे रही तो ये रेवड़ियाँ हैं? किसी को 500 रुपये में सिलेंडर अगर घर की महंगाई बढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, अगर कांग्रेस की सरकार उस महंगाई से राहत दिलाएं, वो रेवड़ियाँ हैं। 7.5 करोड़ लोगों में से 95% लोगों ने 10 गारंटी स्कीमों को दिल से उन्होंने अपनाया। हमने एक साल राहत शिविर चलाए पूरे राजस्थान में और उस राहत शिविरों का ही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जाजम बिछ ही नहीं रहे, उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। लोकसभा के जीते हुए उम्मीदवारों को आप डाल रहे हो विधानसभा में, फिर विधानसभा के जीते हुए को आप नगर निगम में उतारोगे क्या, या मोदी जी आएंगे यहाँ? मतलब आप सांसद से कह रहे हो आप विधानसभा के लड़ो। जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, दिया कुमारी अगर सवाई माधोपुर की जनता को निहाल करती, उनके लिए काम करती तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आज रो रहे हैं सवाई माधोपुर वाले हमसे गलती की, अगर वो जीती तो यहाँ क्यों आई? ये राज्यवर्धन सिंह राष्ट्रीय नेता, सूचना प्रसारण मंत्री एक विधानसभा में आ रहे हैं, इनके पास क्षेत्रीय, मैं कह रहा हूँ स्थानीय स्तर पर इनका कार्यकर्ता है ही नहीं। अगर है तो चुनाव लड़ने से डर रहा है, जान रहा कि अशोक गहलोत ने जो भारतीय जनता पार्टी के खुद मतदाता ये सारी सुविधा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? 25 लाख रुपए का बीमा, जो चिकित्सा हम दे रहे हैं, हम जांचें फ्री कर रहे हैं, हम दवाएं फ्री दे रहे हैं, वो ले रहे हैं? मना कर दो कि हम नहीं ले रहे हैं। इस 95% लोगों ने अगर ये सुविधाएं ली हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ अब की बार पूरे राजस्थान में एक हवा चल रही है कि अशोक गहलोत की सरकार बनानी। और कल मैं तो जयपुर का वासिंदा हूँ, जयपुर में अशोक गहलोत ने उन 10 गारंटी स्कीमों के बाद में एक फिर नई लॉन्च की है, 7 नई स्कीमें। हम गारंटी दे रहे हैं, वचन, जैसे रिजर्व बैंक का गवर्नर लिखता है मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ धारक को, अशोक गहलोत कहता है मैं राजस्थान की जनता को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, मेरी हर बहन को 500 रुपये में सिलेंडर देगा। ये गारंटी कार्ड है, ये वचन है, जैसे रिजर्व बैंक का गवर्नर देता है। अशोक गहलोत वचन दे रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हर महिला के घर में जो सिलेंडर जाता है, जो हमारे घर की मुखिया है, हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। वो गारंटी देते हैं, वो वचन देते हैं सरकार बनाओ। ये महिला सशक्तिकरण का सबसे अगर कोई ताकतवर अगर कोई आदमी है वो अशोक गहलोत। उसने कहा सरकार बनेगी मेरी,
10,000 रुपया साल का हम आपके DBT में भेजेंगे, उससे महिला की ताकत नहीं बढ़ेगी। वो कह रहा है कि नया बच्चा जो पहली बार कॉलेज में जाएगा हम उसको लैपटॉप फ्री देंगे। एक लैपटॉप की कीमत 60-70-80 हज़ार रुपये थी। ये वादा इसलिए किया कि हमने हमारी बच्चियों को 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली बच्चियों को गारंटी से कहा हम तेरे को मोबाइल देंगे, हमने करके दिखाया। ये गारंटियाँ हैं, ये वचन है कांग्रेस का। मोदी सरकार महंगाई बढ़ाएगी, अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार उस महंगाई से राहत के लिए हम देते रहेंगे। इसको रेवड़ियाँ कहें तो मैं कह रहा हूँ रेवड़ियाँ कैसे हुई, मोदी जी की रिजर्व बैंक है क्या या अशोक गहलोत जी की रिजर्व बैंक है क्या? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी सरकार का उत्तरदायी क्या होता है कि मेरे राज्य में रहने वाले आदमी को हम चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं दें, हम आपके खाने पीने की व्यवस्था करें। हमने 500 रुपये का अन्नपूर्णा किट दिया, वो इसलिए दिया कि गेहूँ तो फ्री में मिल जाता है, एक पकाने के लिए हमको मसाला चाहिए, हम मिर्च देंगे, तेल देंगे, चीनी देंगे, दाल देंगे। तो ये महंगाई बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। हम उसको महंगाई को रोकने की अगर जनता की हम सेवा करें तो हम करते रहेंगे।